हम लोग आ गए हैं जनपथ। चलिए, ये हैं जनपथ के रोड यानी सीपी। सो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम सभी गए थे बंगला साहिब। तो बंगला साहिब से भाई घर आ गए हैं और अब जा रहे थे गेस्ट हाउस, यानी पापा के पीछे, ऑफिस के पीछे गेस्ट हाउस था, तो सोचा चलो लंच साथ में ही करते हैं। अपने जमाई का ऑफिस देख लो। देखो गाइस, ये है पापा का ऑफिस। पापा करते हैं काम। हम थोड़ी देर घूम फिर के पापा से मिलने आ गए थे, मगर चलो लंच सारे साथ में करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम तीनों जा रहे थे, पापा आगे जा रहे थे, मैं, मम्मी, राहुल छोटे, हम सब लोग आराम से आ रहे थे पीछे पीछे। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पापा चल रहे आ गए, हम लोग चल रहे पीछे पीछे। देखो ये आ रहे पापा सामने खड़े खड़े, आराम आराम से झूलते झूलते आ रहे, सोच रहे हम आएंगे। तो गाइस हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। अब हम सभी यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, थोड़ी देर गपशप मार रहे थे क्योंकि सभी थक के आए थे। नानी को भी बता रहे थे कि नानी बताओ कैसा लगा, आपसे पूछ रहे थे नानी से कि भाई कैसा लगा, घूम के मज़ा आया नहीं आया। तो हम सभी यहाँ पे बैठे हुए थे, छोटी वगैरह, पापा सब, नानी सब बैठे थे। तो गाइस देखो, हम सब यहाँ पे कर रहे लंच। बगला साहब घूम के फिर लग रही थी भूख, तो हम सब ने किया था लंच। तो देखो सभी ये बैठे थे, पापा, नानी, मामा वगैरह सभी यहीं बैठे थे क्योंकि भाई भूख लगती थी बहुत तेज़ से। प्लस पापा का ऑफिस पास में ही था, तो पापा कहते चलो साथ में ही लंच करते हैं, उसके बाद फिर कहीं एक दो जगह और घूम के फिर चले जाना। तो वही बस सब साथ में लंच करे तो भी बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ लंच करके बैठना। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली सब अपना अलग अलग खाते, कोई किसी रूम में, कोई किसी रूम में, तो एक साथ बैठ के लंच करना बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। पापा यो। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम सभी यूलू बाइक चला रहे थे। राहुल तो चलाता रहता जब भी आता है, लेकिन मम्मी और मैंने कभी नहीं चलाई थी, तो हम दोनों भी ट्राई किया। हमने बोला राह दिखाई, पर हमें भी ट्राई करने दो। देखो मम्मी को देखो, गिरते गिरते बचरी। और देखो गाइस, पहले छोटे मैं बैठे थे, फिर राहुल कहता दीदी मेरे को भी बिठा ले, तो हम तीनों चला रहे थे एक साथ। तो बहुत मज़े आ रहे थे चलाने में। हम तीनों के बाद बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन फिर संभाल लिया मैंने। गाइस ये देखो, यहाँ पे सिखाई जा रही है मम्मी को इलो बाइक, यूलू बाइक, सॉरी, ये मम्मी स्कूटी की तरह, स्कूटी भी आपने चला रखी है। तो देखो गाइस, यहाँ मैं चला रही थी, मम्मी और राहुल को चलाते बहुत देर हो गई थी, तो मैंने बोला लाओ मुझे दो, इस बार मैं चलाती हूँ। तो गाइस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं। वैसे तो सभी लोग अपने टाइम टेबल में बिज़ी रहते हैं, तो कभी कभार मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक साथ बाहर घूमने का, इन्जॉय करने का। तो बस बहुत मज़ा आया था इन्जॉय करके। तो गाइस हम लोग आ गए थे शाम में इंडिया गेट। वॉकिंग डिस्टेंस ही था गेस्ट हाउस से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता था, तो हमने बोला चलो शाम का टाइम है, घूमते घूमते चलते आइसक्रीम खाते खाते, और थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और नानी को भी थोड़ा सीपी का रोड भी दिखा देंगे। लेकिन फिर गाइस इंडिया गेट आके पता चला कि इंडिया गेट को बंद कर रखा था, यानी इसके बाहर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए इंडिया गेट पे जितने भी विजिटर्स थे सबका जाना मना कर रखा था। तो भाई इतना दूर जाना व्यर्थ रहेगा, बट कोई नहीं, इन्जॉयमेंट तो करी हम सब ने, बढ़िया हमने यूरो बाइक चलाई, बढ़िया सीखी, कोई मज़ा आया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। देखो यहाँ पे बंद कर रखा था, लेकिन मैं आपको फिर भी जाली के ऊपर से दिखा देती, देखो साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और भी जाम तो रहता ही है रोड पे, दिल्ली का जाम तो आप सभी जानते ही हैं, स्पेशली सीपी एरिया में तो बस पूछो ही मत। और यहाँ पे राउंड कर रहा था अपने यूलो बाइक को पार्क, और सामने इंडिया गेट था, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और साइड में भी थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जो जो इंडिया गेट गए हुए हैं उनको पता होगा, यहाँ पे बोटिंग एरिया है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। तो भाई इंडिया गेट तो नहीं घूम पाए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो फिर दिखाएंगे। तो गाइस गेस्ट हाउस तो बंद था, तो फिर हमने सोचा चलो फिर अब घर ही चलते हैं, आइसक्रीम खाते खाते घर चलते हैं। तो फिर बस सबसे भी घर जाते, देखो पापा, मम्मी, छोटी और नानी पीछे आ रही, मैं और लागे आगे चल रहे थे। तो गाइस बहुत मज़ा आया था भाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड सबको करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है। और ये देखो भाई खा रहे आइसक्रीम का, ले रहे मज़ा, ये मानसी और नानी दोनों बैठ के, और मैं कैसे दिखूँ, मैं भी खा रही हूँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। घूमे आए हम सारे आइसक्रीम खा के, काम चल रहा था वहाँ पे, थक गया हो गया घूम घूम के, पैर दुख गए हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया।
ज़्यादा मज़ा आ गया। और राहुल छोटी कहाँ गए? उल्लू बाइक चलाने। छोटी रे बाद में खाए कितना समय मैच किए शामी कड़ो। ये देखो भाई सारे बैठे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, बाल बूल खिंडे पड़े हैं, घूम घूम के थक चुके हैं। आप भी खा लो, आ जाओ। और भी क्या क्या देख लिया भाई? माँ बता दे दोस्तों ने। पहले मेरे माँ से बनवाए गुदड़े भाई, मैंने करवाया घर का काम और फिर घुमा दिया और आज घुमा दी सारा काम कुम कटवा के पूरा बदल उतार दियो सर। और रुकेगी एक और दो चार दिन रुकेगी तो एक दो जगह और घुमा देंगे, होगी ना।